आज हम जा रहे हैं मैच खेलने, ये हमारे अंकुर भाई, तो साथ में हमारे देखो भाई पीछे खड़े हैं, ये बहुत तगड़े स्टार हैं। आके पहली बॉल पे आउट हो गए, अभी अब इसका गेम प्ले दिखलाएंगे आगे हम, और देखना तुम गाड़ी में बैठ चुके हैं अंकुर भाई भी बैठे, आगे गोलू भाई बैठे और मोहित भाई गाड़ी चला रहे हैं। अभी दिखलाते अभी पतंगबाज भी बहुत तगड़े, जब भी गए हम इन्हीं के साथ उड़ाई है। गोलू भाई आया करो, बाकी मोहित भाई को क्या ही दिखलाए, अगर अच्छे रन मारेंगे तभी दिखलाएंगे। चलो छोड़ो गाइस, ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाए, थक गए हैं। एक राउंड मारा है इन्होंने बस। गोलू भाई दिख रहे हो, 20 ओवर कैसे टिकेंगे यही सोचता हूं मैं, देखते अभी। बाकी वो प्रो देखो वहां पे, वहां देखो ये यार पतले हो गए इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये मोहित भाई नाम है इनका, योर प्लेयर आया है, इनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। व्यू अच्छा आ रहा उस तरफ गाइस, कि सिंगल बहुत ज्यादा आ रहे होते, क्या कहते हैं फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही भाई, तुम क्यों नहीं खेल रहे? बहुत अच्छी हो रही है यार भाई, तुम खेल अभी, तुम फील्डिंग बहुत अच्छी है अभी, तुमने क्या कहा सिंगल आ रहा है? सिंगल रोकें उसको, स्टॉप करें, वो हाथ के सिंगल ना दे, पहले देखा करो। ओके ओके ओके, अभी ये नेक्स्ट बॉल जा चुकी है। ओ गाइस यहां पे बहुत ही बढ़िया, क्या छोड़ दिया, देख देखा, देख रहे हो पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ से रहने की लग जाएंगे, मोहित भाई की लग जाएंगे यार, ये काटो गाइस, कट करना ठीक है। ओके ओके ओके, चार रन और गवाए कोई नहीं, बट चार रन तो रोक लिए। दुग गया ये, दुग गई ये सर, दुग गया ये, चलो कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है मैच, ऑनलाइन भी ये मैच देख सकते हो, किन्होंने ऐप बताया था मुझे, और जिसको ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पेशल 11। अभी पांडे ने सिखा गया भेजा उनको गाइस, वही वाला सीक्रेट बताना चाहूंगा, आज ये बहुत बुरा हारेंगे वो तो सबको पता चल चुका है कि आज ये बहुत गंदा हारेंगे, बट इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया ये बताइए जरा, 74 नंबर अनुज कीपिंग क्लब देने आए थे सिर्फ, और कुछ नहीं, और नहीं इन्होंने कुछ, इन्होंने कुछ बताया भी है कुछ नहीं, बैट तो अभी डिस्कस हो ही नहीं सकता ना अभी हमारी, सिर्फ उनके बैट के बारे में ऐसे लग के बिल्कुल हाथ में आ रही थी उनके, नहीं वो कह रहा था कि हमारे कीपर पे कैरी हो रही है लेकिन उन्होंने पकड़ी नहीं, तो अब ग्लव चेंज हुए, क्या पता हमारी किस्मत भी चेंज हो जाए। ओहो ओके ओके, तो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वैसे राउट क्या बता रहे थे आप भाई, ऐसा बताना मत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कुत्ते की तरह हारेंगे हम यहाँ से, रिव्यू देंगे इनको कि कैसा खेल रहे हैं, ढीले पड़े हैं देखो उनसे बोल डाल, ये अभी सुबह सुबह सो के उठ के आया सारे, एक राउंड पूरा नहीं मार पा रहे यार ग्राउंड का यार, अब देख लो आप, वो तो मैं खेला नहीं अन्नी में छक्के वक्के मार दे, डर जाते यार लोग, ये इसलिए तो हम खेलते नहीं, हम बस रिव्यू करते हैं, बस वीडियो बना तो गाइस हम ग्राउंड पर आ चुके हैं और अभी हमारी टीम की फील्डिंग है और दूसरी टीम की बैटिंग। गाइस एक सीक्रेट की बात बताता हूं, तो गाइस अंकुर बॉलिंग करते हुए और दूसरी बॉल पर वाइट का प्रदर्शन, यहां पे लगता है आज भी 72 रन दे देंगे, और हमारे 20 से गाड़ियां भी जा रही है आपको दिख रहा होगा, प्लेयर्स अभी भी आ रहे हैं उनकी टीम के, और ये दूसरा गेंद भी वाइड, दूसरा गेंद तो नो रन नहीं हो सकता, ये विकेट, ओ भाई क्या छूट गई, जस्ट जस्ट मिस शायद, हां चूतिया ना हमारा कीपर दो कैचे छोड़ चुका, तो गाइस कीपर ही चूतिया है, कीपर निकली है गाइस, कीपर ही निकली है गाइस, और यहां पे देख सकते हो अभी यहां से अगर दो कैचे छोड़ घर भाग जाएगा आज, भाई क्या करोगे तुम, अगर मैं यहाँ से कीपर नकली चिल्ला दूंगा घर भाग जाएगा, वैसे हो भी सकता कुछ, आई हेट मुस्लिम, ओ गाइस लगातार यहाँ तीसरी बॉल का प्रदर्शन, गाइस वाइड बॉल,
हम बाहर हुए तो यार आपने आज बहुत बढ़िया फिल्म फिल्म को नहीं डरता ना, परफॉर्मेंस होती है किसी दिन अच्छा होता है। अरे यही बातें तो याद आएंगी। अमन आप क्या कहते हैं कि हम दूसरी हमारी टीम सामने वाले को कितने रनों पे रोक लेंगे? अनुमानित प्रेडिक्शन करिए, आपकी प्रेडिक्शन सबसे पहले 20 ओवर में 20 ओवर जी 180 और आप 170। तो गाइस अभी एक विकेट आई है वहाँ पे कैच कर लिए और ये मेरा अनुमान है स्कोर आज हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी 150-160। तो आपको क्या लगता है जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी? सबसे ज्यादा विकेट कौन है? राहुल केतु आए आज हम दोनों मिलके जिताएंगे। बॉलर के ऊपर डिपेंड है, कौन कौन है बॉलर? बॉलर हमारे पास अच्छे बॉलर है, खास अंकुर है हमारे पास, क्या कहते हैं मोहित है, विकास है, अनुज है, गोलू है, सबसे ज्यादा विकेट ले गया आज विकते मेरे हिसाब से आज मोहित जहाँ तक है आज परफॉर्म करेंगे। कैप्टनसी वाली जो उनकी छीन गई है फुरकान के पास कैप्टनसी गई है उस कारण शायद वो अपनी मैच पर थोड़ा दिखाएंगे। बट आई थिंक अनुज विकेट लेगा अगर उसको चांस मिलेगा भी। अनुज का खासा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है जो कि उनको उनकी क्या कहते हैं वेरिएशन में दिक्कत आई है और वो संतुलित नहीं है। तो बाकी भी देखते हैं कहीं आज हो जाए अच्छा। आज वैसे भी क्या कहते हैं पिच में नमी है जिस हिसाब से देखा गया तो बॉल टर्न लेने का कोई काम नहीं है, पाटा विकेट है, बैट पे अच्छा आएगा चढ़ के। तो मेरे हिसाब से आज मोहित को जो देखा आपने जैसा कि एक विकेट मिला अभी और पिछले ओवर में भी उन्होंने मौके बनाए थे वो तो बाकी जाएगा जी आपको दिख लाते ग्राउंड में क्या हो रहा है। 12 ही रन आए वैसे देखा जाए बॉल यार मोहित बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ कर तो पहले यूं सोच रहे हैं दुआ मांग रहे थे कि हाँ ऊपर से चली जाए बस। नोटों का थैला आ रहा है बिल्कुल कैच करेंगे। ये सोच रहे कि पतंग की डोर है और हम पकड़ लेंगे पीछे से लटकती हुई आ रही है। 15 अगस्त और भूत नहीं अब देखते हैं अपने दूसरे ओवर में क्या खाता प्रदर्शन करते हैं। अभी तक बोल रहे थे मेरी वीडियो बना दी देखते हैं वीडियो लाइक काम भी करते हैं उनको एडिट ही करना पहली बॉल पे विकेट मिलेगी नहीं ये वाइट पहली वाइट गंदी गेंद और साथ में ओवर थ्रो का एक रन गंदी गेंद और आज मुझे भी लग रहा है कि आज भी अंकुर का दिन नहीं होगा। आज भी वो अपने चार ओवर में कम से कम 40 रन लेंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, हमारे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो आप। वो तो अंत बताएगा, वो तो मैच के बाद पता चल ही जाएगा ना। एक और वाइट चौका ये आउटफील्ड खासा धीमा तो गाइस अंकुर अभी पिट के आ रहे इतना गंदा सबसे ज्यादा रन हो रहे एक कैच लड्डू आया जैसे कि पतंग की डोर हो। गाइस मैं बताता हूँ कैसे ऐसे जैसे कि पतंग की डोर अभी आएगी आपके अंदर पतंग अभी 15 अगस्त का भूत नहीं उतरा गाइस इनका। तो फ्रेंड्स अभी क्या कहते हैं टी ब्रेक चल रहा है और क्या कहते हैं वहाँ पे ग्राउंड में पानी वगैरह दिया जा रहा है। हम सब से बैठे रहते हैं मजे ले रहे थे अपने बातचीत कर रहे थे थोड़ी सी और आशु भाई के भी एक सुलोमो बनाए तो वो एडिट कर रहे हैं आगे बैठ के। आशु भाई इधर आओ करना पड़ेगा कोई नहीं। स्कोर क्या चल रहा है इनका भाई वो ऐप में देखना पड़ेगा आपको। अच्छा वो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बट डिस्क्रिप्शन में देख लेना कौन सा प्लेयर किस रैंक पे आया था और कितने अच्छा प्रदर्शन किया उसने। स्कोर बोर्ड पे रन हो रखा है 10 ओवर में 69 रन दो विकेट के नुकसान पे। तो गाइस आपको रन के बारे में बताते हैं रवि सिंह 12 पे और अमित जोशी 18 पे, अनुज एक विकेट और विकास ते अभी पांडा बॉलिंग डाल रहे हैं। ओ तीन बॉलों में अभी तक एक सिंगल रन भी नहीं आया। ये मोहित भाई कितने हुए तीन
ओ विकेट है विकेट, बहुत ही बेहतरीन। अभी वो बोल के गए जस्ट कि आज विकेट ही लेके जाएंगे, और उन्होंने जाते ही विकेट ले ली भी गई। तो कैसा रहा फील्डिंग, कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा रहा, आज हमारे प्लेयर ने कैच छोड़ी, जैसे कि एक ही जा रहा है। एक हमारा महान प्लेयर कहाँ गया? एक ही। कितने का स्कोर मिला आपको? मजा आया। स्कोर कितने का मिला है? 141 का टारगेट है। 141 जो कि मुझे लगता है हमारी टीम घंटा जिंदगी में अचीव नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, फिर भी हम कर देंगे। कर देंगे, पता नहीं है। तो पहली बॉल गिरते हुए लग रहा है 10 ओवर वाली बात सही हो सकती है। ऑल आउट ही हो गया जाएगा। आज भाई बताओ इनको क्या हुआ था? फुरकान सामने पे तो हटिया एक्स्ट्रा 28 है, वरना 112 रन बनते। पहली विकेट हो चुकी है, तीसरी बॉल पे ही एक रन बस। तो हाय मत लगाया करो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। कोई नहीं, जा रहा बोला करो मत। अभी बाकी क्लेश चल रहा है टीम के अंदर, और फिर भी देखते हैं 10 ओवर में कितनी विकेट आएगी। बताओ क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। रोहित भाई बताओ क्या लगता है आपको? तेरा बैट कहाँ है? 10 तो इनका भी वही कहना जो आंसू भाई का कहना। आंसू भाई बताओ, मोहित भाई आप बताओ क्या लगता है आपको? हक्के आ गया, कौन आया था? अरे जो आ रहा है देखो, दूसरी बॉल पे आउट हो चुका है गोलू भाई हमारे। ओ वाइड बॉल और एक रन। और गोलू भाई अभी आउट हो चुके और अब वापसी आ रहे हैं। और पर ये एक पतंग में बिक गए यहाँ पे, कह रहे मंजे भी दे देना एंटी बना के। और ये वापसी आ गए पतंग के चक्कर में, पेच कह रहे कि आज पेच, अभी हमारे को जाना है पेच पे और हम मैच नहीं खेलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तेदार दूर वाले बहुत दूर के। ये हरभजन सिंह बैटिंग के, हरभजन सिंह वापसी आते हुए हमारे पास। कोई नहीं, होता है सबके साथ होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप सेंचुरी लगा रहे थे, सोच रहे थे और हम सोच रहे थे यही मारेंगे 50-60 रन। गाइस 2 विकेट हो चुके हैं यहाँ पे। मोहित भाई का क्या कहना है? मोहित भाई आपको क्या लगता है? मोहित भाई इग्नोर मार रहे हैं आज टीम ये शॉट यार, ये 4 रन और मोहित भाई के चारों में खुशी। घास बात सही नहीं कर रखी। मोहित भाई कह रहे हैं आंसू भैया आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ से एक चौका आया, सरफराज खान है, कीपिंग बहुत बेकार है। फुरकान सिंह जब भी बोला फुरकान इकबाल, अरे ये मोहम्मद फुरकान कुमार सिंह है। और इन्होंने 4 रन मारे और टीम में एकदम से खुशी की लहर। 2 विकेट एक बार गिर चुकी है।
कैसा चल रहा है अभी? उम्मीद पूरी है, पूरी है, है तो भाई की उम्मीद। भाई क्या लगता है, जिता पाओगे, जिता दोगे? भाई भाई के पास जाते विपरीत टीम, भाई का क्या कहना है, भाई का कहना सुनो तुम। भाई का कहना है कि ये दोनों टिकट हार जाएगा। चल गया, हार जाएगी यार। तुम्हारे यार, तुम्हारे अंदर वो नहीं रहा। हाँ भाई, हर रहा था ये बस हमारे लिए, हम तो ये भाई वही है, देखा होगा तुमने वीडियो के अंदर जो पहली बॉल पे आउट हो गया है। भाई की शक्ल दिखलाते जिनने पैसे नहीं दिए, पर वो कह रहा मेरे को खेलने दो, और अंकुर भाई लड़ रहे कि मैंने पैसे दिए, मेरे को बज्जी नहीं मिलती। आठ विकेट बच गई है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, सबको एंट्री फीस देनी है अपनी अपनी। और बीच में चाचा आया साइकिल लेके, कह रहे हम घूमने जाएंगे। वो पीछे से जाइए, चल वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के। भाई कह रहे थे कि हरेंगे और भाई जीत चुके हैं। अभी भाई के चेहरे की स्माइल देखो, बिल्कुल भाई के चेहरे की खुशी देखो, फूले नहीं समारे भाई जीतने के बाद। पैड उठा ले अभी, वो ये देखो हरने के बाद भी इनकी स्माइल देखो, दिल बड़ा है। आओ भाई, ये भाई दिखला रहे मैन ऑफ द मैच। ये भाई है मैन ऑफ द मैच। पार्टी है आज। भाई कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी भाई की इतनी अच्छी हो रही है कि भाई जीत चुके हैं मैच। तो पहले से ही था, नहीं हम टेनिस से इतने इकट्ठा हो रहा है, फिर थोड़ी देर में अपने अपने सब घर जाएंगे। हारने की खुशी में 500 की मिठाई बांटूंगा अपनी टीम। 500 की मिठाई, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ भाई। पार्ले जी के बिस्कुट गरीबों में बांटेंगे, गरीब भी उसके साथ ही घूम रहे। देखो